फ्रेंड्स, क्या आपके घर में कोई ऐसा है जिसे कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह है? तो आज की वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको डायबिटीज का एक परमानेंट इलाज बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, या आपके बाल झड़ते हैं, या आपका वजन बहुत बढ़ गया है, इसके अलावा आपको अगर कोई भी बीमारी है, तो आज की वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बीमारियों के पीछे का कारण और उसका सलूशन भी बताने वाला हूं। आज के हेल्थ एपिसोड को देखना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, आप अपने 5-10 मिनट जरूर निकालें, नहीं तो आप ये जान नहीं पाएंगे कि कैसे स्वस्थ रहें, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति बीमारियों से परेशान है, हर दूसरा व्यक्ति बीमारियों से परेशान है, हर घर में कोई ना कोई बीमारी है। जितना पैसा हम कमाते हैं, उससे आधा पैसा तो हमारा सिर्फ दवाइयों पर ही खर्च हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बीमारियां सिर्फ 3 दोषों के अंदर आती हैं, जैसा कि मैं आपको कई बार वीडियोस में बता चुका हूं। वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं जिनके अंदर बीमारियां आती हैं। अब इनमें से वात दोष को कैसे बैलेंस करना है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। वात दोष को मैं आपको सिंपल बताऊं तो वात का मतलब है गैस, वो गैस जो आपके पेट में बनती है। अब यही गैस जब आपके पेट से आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, तब ये दिक्कत पैदा करती है। ये गैस जहां भी रुक जाती है, वहीं पर दर्द पैदा करती है। आपने देखा होगा, कभी कभार आपकी बाजू में दर्द होने लगता है और आप सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि बाजू में दर्द हो क्यों रहा है। लेकिन जब आप उस बाजू को थोड़ा सा तेल लगाकर मलते हैं, मालिश करते हैं, तो उससे आपका वो दर्द ठीक हो जाता है। कारण ये होता है कि दोस्तों, उस जगह पर ये जो वायु रुकी हुई थी, ये जो गैस रुकी हुई थी, ये चली जाती है। इस कारण से आपका वो दर्द ठीक हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों, वात दोष को बैलेंस करने से आपके कई रोग दूर हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं वात दोष को कैसे बैलेंस करें और किस चीज से बैलेंस करें। दोस्तों, इसके लिए सबसे बढ़िया इलाज है मेथी का दाना। मेथी का दाना हर घर में होता है। कुछ लोग मेथी दाने की जगह पर मेथे यूज करने लगते हैं। दोस्तों, मेथी और मेथे देखने में सिमिलर हैं, लेकिन इनके साइज में फर्क है। जो बिल्कुल बारीक होती है, वो मेथी होती है। आपको मेथी का दाना यूज करना है, ना कि मेथे। मेथी दाने को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज को आप सिर्फ 3 महीने में ही जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बेबी नॉर्मल डिलीवरी से आए, तो आपके लिए मेथी दाना बहुत अच्छा रहेगा। या आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, तो आपके लिए मेथी दाना अच्छा है। दरअसल दोस्तों, मेथी दाना एक ऐसी औषधि है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। आप घर में कोई चीज लाते हैं तो हर खाने वाली चीज एक्सपायर हो जाती है, लेकिन ये एक मेथी दाना है जो कभी एक्सपायर नहीं होता। आप इसे 100 साल भी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेथी दाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी ले सकता है। मेथी दाने को आयुर्वेद में बहुत बड़ी औषधि माना गया है। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम, जिसे हजारों साल पहले महर्षि वाग्भट जी ने लिखा था, वो कहते हैं कि मेथी दाना सबसे बढ़िया वातनाशक है। जो लोग मेथी दाना खाते हैं, उन लोगों को कभी जोड़ों का दर्द नहीं होता। लेकिन हम लोग मेथी दाना खाते ही नहीं है। हम लोग तो बर्गर, पिज्जा, इन सभी चीजों में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं और सारा दिन बीमारियों को लेकर घूमते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप मेथी दाने को सही ढंग से खाते हैं, तो आप जोड़ों के दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। यही मेथी दाना आपके मधुमेह को भी खत्म करेगा। आइए जानते हैं कि मेथी दाने को खाना किस तरह से है। दोस्तों, रात को एक गिलास पानी में एक चम्मच मेथी का दाना आपको भिगोकर रखना है और सुबह उठकर बासी मुंह उस मेथी दाने का चबा चबा कर सेवन करना है और पानी को ऊपर से पी जाना है। ये करने से, सिर्फ अगर इतना आप करते हैं, तो इससे आपके कई रोग दोस्तों खत्म हो जाएंगे। ये एक ऐसी औषधि है जो आपकी पूरी बॉडी को स्वस्थ रख सकती है। आज की मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं मिलेगी जो एक दवाई खाने से 10 बीमारियां ठीक हो जाएं। आज की मेडिकल साइंस में आपको एक बीमारी के लिए 10 दवाइयां खानी पड़ती हैं, लेकिन आयुर्वेद में वो ताकत है कि एक औषधि आपकी 10, 20, 50 बीमारियां तक ठीक कर सकती है। जैसे कि मेथी का दाना। मेथी का दाना दोस्तों हमारे वात दोष को बैलेंस करता है। जब आप सुबह उठकर मेथी दाने का सेवन करते हैं, तो यह वात दोष को बैलेंस करेगा, गैस को आपकी बॉडी से हटाएगा और वायु को सेट करेगा, जिससे कि आपके जोड़ों के दर्द में सबसे पहले आपको आराम दिखने लगेगा। अगर आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, आपकी बाजुओं में दर्द रहता है, आपके जोड़ों से टकटक की, कटकट की आवाज आती है, तो आपके लिए ये मेथी का दाना बहुत ही अच्छा है। मेथी का दाना लगातार 3 महीने खाकर देखिए, आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द तो दोस्तों गायब भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मधुमेह से, डायबिटीज से परेशान हैं, तो आपको मेथी दाने का पानी और मेथी को सुबह खाली पेट जरूर लेना चाहिए। डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो आजकल भारत में बहुत बढ़ गई है। कारण है कि हम लोग इस बीमारी को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे गलत लाइफस्टाइल और खान पान के कारण तो ये बीमारी होती है,
ये हम चीज जानते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल और खान पान को हम सही नहीं करते, ये चीज गलत है। अब अगर आपको पता ही है कि आपको डायबिटीज है तो खाने पीने में सुधार कीजिए। खाने में सबसे बड़ा सुधार है आपको सफेद चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना का मतलब है बिल्कुल नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी तो चलता है। दोस्तों कभी कभी का मतलब है जहर खाना। आप मुझे बताइए क्या जहर कभी कभी खाया जाता है? ऐसा नहीं होता कि आपको कभी कभी चलता है। आपको अगर डायबिटीज है तो आपको सफेद चीनी नहीं खानी, इस चीज को आप अपना लीजिए। आप चाहें तो मीठे फल खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, डायबिटीज नहीं होगी। कुछ लोगों को लगता है कि मीठे में अगर आम खाएंगे तो डायबिटीज होगी, ऐसा नहीं होता। जो नेचुरल शुगर है उसे खाने से डायबिटीज नहीं होती। तो दोस्तों अगर आप मेथी दाने को सुबह खाली पेट खाते हैं तो डायबिटीज को 3 महीने के अंदर अंदर आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपका दिल स्वस्थ रहे तो मेथी दाने का इस्तेमाल करें। आज के समय में हार्ट अटैक की बीमारी बहुत बढ़ गई है। क्या आपको पता है पूरे भारत में हर एक मिनट में कोई ना कोई एक इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है। यानी कि जितने में आप ये वीडियो देखेंगे उस 10 मिनट में 10 लोग इस बीमारी से मर चुके होंगे। ये बीमारी इतनी बढ़ चुकी है, इस बीमारी का पता ही नहीं चलता, एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है। क्योंकि दोस्तों हमारा खान पान ही गलत है, इस कारण से हमारा खून गंदा हो जाता है और आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, एलडीएल बढ़ गया है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो मेथी दाने का सेवन कीजिए। सुबह खाली पेट मेथी दाने का पानी और मेथी को अगर आप 3 महीने भी खा लेते हैं तो इससे आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आर्टरीज की ब्लॉकेज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको किसी तरह के ऑपरेशन की स्टंट की जरूरत ही नहीं है। प्लीज आप एक बार इन आयुर्वेदिक औषधियों को ट्राई करके देखें। सिर्फ सुनने से, वीडियोस को सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला, आपको इन चीजों को अप्लाई करना है। अब अगर आप मेथी दाने का पानी और मेथी को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपका वजन भी कम होगा। अब जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं वो लोग 100 तरह की चीजें कर लेंगे। वो लोग डॉक्टर के पास जाकर टैबलेट्स भी ले आएंगे, जिम भी ज्वाइन कर लेंगे, योगा एरोबिक्स भी कर लेंगे, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों का सहारा नहीं लेंगे। दोस्तों आपको इन चीजों को अपनाना चाहिए। पुराने जमाने में लोग इसी तरह से ही तो स्वस्थ रहते थे। पुराने जमाने में लोग अपने घर में पेड़ पौधे लगाकर रखते थे और उन पेड़ पौधों से ही लोग स्वस्थ हो जाते थे। जैसे कि जामुन का पेड़, अमरूद का पेड़, नीम का पेड़, तुलसी का पौधा, इन चीजों से लोग स्वस्थ रहते थे। आजकल हमारे घर में एक भी पेड़ पौधा नहीं है। हमारे घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां तो खड़ी हैं, लेकिन हमारे घर में एक गमला रखने तक की जगह नहीं है। हमें लगता है कि ये पेड़ पौधे हमारे लिए किसी फायदे के नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको इन पेड़ पौधों को घर में लगाना चाहिए, कुदरत से जुड़ना चाहिए। इसी तरह से ही दोस्तों अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो आपको इन पेड़ पौधों का सहारा लेना चाहिए। अगर आप सुबह खाली पेट अमरूद के थोड़े पत्ते खाते हैं तो इससे आपका वजन कम होता है। ठीक उसी तरह से ही अगर आप मेथी दाने का पानी और मेथी को सुबह खाली पेट पीते हैं तो इससे भी आपका वजन कम होता है, क्योंकि मेथी दाने का पानी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे कि हमारी चर्बी एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो प्लीज आप मेथी दाने का इस्तेमाल करें, क्योंकि मेथी दाने के अंदर ढेर सारा आयरन और पोटेशियम है। ये हमारी बॉडी में नया खून बनाता है और साथ ही साथ खून को सर्कुलेट करने में भी मदद करती है। मेथी दाने के इस्तेमाल से आपके बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे और बालों का झड़ना तो 1 महीने के अंदर ही रुक जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर से परेशान है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो चुका है, अगर आप इससे बहुत परेशान है, तो प्लीज आप मेथी दाने का पानी और मेथी का सेवन सुबह जरूर करें। इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से आराम मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा पोटेशियम है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन और साइलेंट किलर भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी जो आपकी जान ले सकती है, एक ऐसी बीमारी जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन हम लोग इस बीमारी को एक छोटी सी बीमारी समझते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से एज सच आपको बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के कारण जब आपको हार्ट अटैक आ जाता है तब दोस्तों बहुत ही देर हो जाती है। इसलिए अभी भी समय है दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज जरूर करें और आयुर्वेदिक तरीके से करें, ताकि आपको हर रोज दवाई ना खानी पड़े। लेकिन अगर आप आजकल की दवाइयां खाएंगे तो आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 10-20 साल से हाई बीपी की दवाई खा रहे हैं, फिर भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। कारण है कि हम लोग बीमारी का इलाज जड़ से नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों हर बीमारी का इलाज जड़ से करना चाहिए और आयुर्वेद इसमें आपकी मदद करता है। जब आप मेथी दाना और मेथी दाने का पानी सुबह पीते हैं तो इससे आपका पेट स्वस्थ होगा, कब्ज की प्रॉब्लम दूर होगी, जिससे कि आपका खून साफ होगा, और खून साफ होने से हाई बीपी की प्रॉब्लम तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो प्लीज आप मेथी दाने का इस्तेमाल करें, क्योंकि कब्ज की प्रॉब्लम के लिए मेथी दाना बहुत ही अच्छा है। कब्ज के केस में आपको मेथी दाने का पाउडर बनाकर रखना है और एक चम्मच मेथी दाने का पाउडर रात को गुनगुने पानी के एक गिलास के साथ लेना है। रात को सोने से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले आपको एक चम्मच मेथी दाने का पाउडर एक गिलास गुनगुने पानी के साथ लेना है। ऐसा करने से आपका जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, हम मेथी दाने के जरिए कितने बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। यही तो दोस्तों आयुर्वेद का फायदा है। आपको प्लीज आयुर्वेदिक तरीके से ही बीमारियों का इलाज करना चाहिए, ताकि बीमारी का इलाज जड़ से हो और वो बीमारी दोबारा ना आए। हम आपके साथ ऐसी ही वीडियोस हमेशा शेयर करते रहते हैं, ताकि आपको बता सकें कि घर में पड़ी हुई इन आयुर्वेदिक औषधियों के क्या फायदे हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आए। अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, उसे दबा दें और हमें मोटिवेट करें। अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन भी है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।